हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोटनेक ब्लाउज की कटिंग। ये एक डिज़ाइनर पैटर्न है जिसकी लंबाई 14.5 इंच, चेस्ट 38 इंच, कमर 32 इंच, शोल्डर जो है ब्लाउज के नाप पर 13 इंच का है। किस तरीके से कटिंग करनी है पूरा आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर आप इस स्टिचिंग और इस डिज़ाइन को कम्प्लीट देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। आप सभी के काम को आसान बनाने के लिए दिलीप टेलर्स एंड बुटीक ब्लाउज और सूट के पेपर कटिंग्स बनाता है। अगर आपको भी फिटिंग में समस्याएं आती है, कटिंग आपके समझ से बाहर है, तो आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाकर अपनी ये समस्या हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दिलीप टेलर्स पेपर कटिंग आपको अमेजोन पर या फिर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक बड़े मास्टर की तरह कटिंग और सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। सिलाई से जुड़ी ढेर सारी वीडियोस फ्री में देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए नीचे रेड बटन को दबा करके, और इस चैनल के साथ आप हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। देखिए, लाइनिंग पीस से हम शुरुआत करेंगे। ये डबल फोल्ड हमने बिछा लिया है। किस तरह से कटिंग करना है, एक एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट कैसे कटिंग करोगे एक साथ, तो ये इस प्रकार से टोटल 4 फोल्ड कर लेना। सामने इसका प्रिंसेस कट का शेप रहेगा और दोनों साइड बोटनेक रहेंगे। फ्रंट का पैटर्न भी डिज़ाइनर पैटर्न है और बैक का पैटर्न भी डिज़ाइनर पैटर्न है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीधा निशान लेंगे इस तरीके से। ये निशान जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, जस्ट ऊपर इंची टेप का यूज़ करना और यहाँ पर 1 इंच ऊपर एक और निशान लेंगे। इससे ये क्लियर होता है कि हमारा सामने का पल्ला 1 इंच बड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंची टेप लेंगे और लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। लंबाई कितना है, 14.5, हमें लेना है निशान 15.5 का, 1 इंच बढ़ा करके। ठीक है, अब ऊपर वाली साइड में शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, तो शोल्डर जो ब्लाउज के नाप पे 13 इंच आया है, आपको 1 इंच का मार्जिन देना है। टोटल हो जाएगा 14 और हाफ करके 7 इंच पर निशान लगाना है। अगर ये बॉडी मेजरमेंट होता तो 1/2 इंच या 1 इंच हम और कम करते, लेकिन ब्लाउज का नाप है इसलिए हमें बढ़ाना है। यहाँ पर भी 7 इंच का निशान। इसके बाद हमें एक मेजरमेंट लेना है। ये मेजरमेंट चेस्ट के अकॉर्डिंग लिया जाता है, आर्म होल के निशान का। 38 चेस्ट है, 5.25 इंच पर हम ये निशान लेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे ये शोल्डर का जो पॉइंट है हल्का सा आपको डाउन करना है जब भी आप बोटनेक पैटर्न्स बनाएंगे आर्म होल की तरफ। ठीक है, ये 1/2 इंच डाउन करने के बाद ही आपको आर्म होल नापना है, और पहले नापोगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा नापना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5.25 इंच का हम लगाते हैं निशान डाउन करने के बाद। ये हो गया। इसके बाद चेस्ट और कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो जैसे चेस्ट 38 इंच का है, 1/4 हिस्सा लेंगे, 9.5 हो जाएगा, और 1/4 इंच हम सिलाई मार्जिन देंगे। अगर आप 1.5 इंच देते हैं तो 1.5 इंच भी दे सकते हैं। नीचे कमर पे आते हैं, 32 इंच का कमर है, इसका 1/4 हिस्सा लेंगे, 8 इंच होगा। उसके बाद हम 1 इंच का डॉट और उसके बाद 1/4 इंच सिलाई मार्जिन और देंगे। चेस्ट पे हम किसी भी तरह से लूजिंग वगैरह नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये बॉडी का मेजरमेंट नहीं है, ब्लाउज का मेजरमेंट है। इन निशानों को इस प्रकार से मिला लेना है। अब इसके बाद यहां पे आर्म होल शेप को ध्यान देना। आर्म होल का जो शेप है ना, वो हम यहां पे 1/4 इंच अंदर डाउन करेंगे क्योंकि ये बोटनेक पैटर्न है, और इस तरह से हम डाउन करने के बाद आर्म होल का शेप दे देंगे। तो पहली गोलाई आपको 1 इंच की दूरी से देनी है, ये इस प्रकार से, और दूसरी गोलाई ये 1/4 इंच का गैप रख करके चेस्ट की तरफ थोड़ा डाउन करके इस तरह से देना है। ठीक है, इससे आर्म होल का जो आपका फिटिंग है वो प्रॉपर आएगा। अब आते हैं हम गले के पैटर्न पे। तो 38 इंच चेस्ट है, गला यहां पर आप 4 इंच खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से 4 इंच का गला लें, नीचे आकर के भी 4 इंच का निशान लगाएं, दोनों निशानों को मिला लें। अब
बोटनेक गला है तो सीधा सीधा गले का लेंथ 4 इंच लेंगे, या आप 3.5 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो बंधा बंधा लगेगा, इसलिए हम 4 इंच खोल देते हैं। ठीक है, 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच गहराई, परफेक्ट बोटनेक पैटर्न बनेगा 38 इंच चेस्ट में। अब लगभग 1.5 इंच की दूरी से हमें राउंड देना है, ये देखिए। ये हो गया। इतना करने के बाद ये जो शोल्डर वाला जो लाइन मैंने कहा, इसको इस तरह से डाउन करना है। अब ये पूरा फ्रेम तो तैयार हो गया, अब बात करते हैं प्रिंसेस कट की। तो प्रिंसेस कट के लिए दो चीज अब ध्यान में रखिएगा। पहला, डॉट की दूरी 38 इंच चेस्ट में 4.5 इंच आपको ये लेना है डॉट की दूरी। ठीक है, डॉट की दूरी का मतलब जो प्रिंसेस की लाइन होगा वो वाली लाइन, ये 4.5 इंच का निशान यहां पर भी। अब शोल्डर से बात करेंगे हम, ये निशान इस तरह से मिलाएं, शोल्डर पर रखें टेप, और यहां पर 38 इंच चेस्ट में आमतौर पे जो डॉट पॉइंट आता है 10.5, 11, मैक्सिमम 11 इंच, तो ये आप 11 इंच पर इस तरह से लगा लेंगे। डॉट पॉइंट आप मेजर भी कर सकते हैं बॉडी से, ब्लाउज से। उसके बाद 1 इंच ऊपर एक छोटा सा निशान लगाएंगे, और यहीं से प्रिंसेस का राउंडिंग शेप हमें ड्रॉ करना है। ये इस प्रकार से आर्म होल के सेंटर तरफ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे। अब नीचे आते हैं, पफ क्रिएशन को देखेंगे। पफ क्रिएट करने के लिए 38 इंच चेस्ट में आपको 2.5 इंच कपड़ा बाहर करना पड़ेगा। आप चाहें और ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे 2.5 इंच बता रहा हूँ। इस तरह से 2.5 इंच निशान लगाएं, और ये वाला निशान आपको इस तरह से मिला देना है। ठीक है, अब ये सीधा मिलाने में, अगर आपको लगता है कि पफ क्रिएशन सीधा मिलाने से ठीक नहीं होता, तो आप इसको ना हल्का सा राउंड शेप दे सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच का गैप बना लें, और इस तरीके से यहाँ से आप राउंडिंग शेप यहाँ पे दे सकते हो। इससे आपकी फिटिंग जब राउंडिंग होगी ना, तो आपका पफ क्रिएशन भी राउंड शेप में अच्छे से होगा। जितना ज़्यादा राउंड देंगे उतना ज़्यादा पफ क्रिएट होता है, ये प्रिंसेस कट का कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे। अब ये वाला जो शेप है, जैसे हमने 2.5 इंच कपड़ा यहाँ से बाहर कर दिया समझो, तो ये 2.5 इंच आपको इस साइड में कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा 2.5 इंच का आप मार्जिन लेंगे, 1/4 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। चलो, ये इस प्रकार से 1/4 इंच का आपको ऊपर मार्जिन लेना है, और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब नीचे वाला जो निशान है, इसको आपको ना तिरछा मिलाना है। कैसे मिलाओगे? ये वाला जो निशान है वो यहां से इस प्रकार से मिल जाएगा, और ये वाला देखिए इधर से इस प्रकार से मिला देना है। ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए पीछे का जो पल्ला है ना, वो 1 इंच छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से पहले निशान लगाना पीछे पल्ले के लिए, और इधर से भी जो हमने पफ मेकिंग के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया वो पीछे पल्ले में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से निशान लगा करके, और ये यहाँ पर ये जो कट है यहाँ तक पूरा ये इस प्रकार से निकल के बाहर हो जाएगा। ये हो गया, और ये निशान नीचे से इस तरह से मिला दें और पीछे पल्ले को काट दें। पीछे पल्ले को जब हम कटिंग कर रहे हैं ना, तो इस तरफ देखिएगा, ये अगर हम 1/2 इंच इस तरह से खांच दें तो ये बिल्कुल जाके परफेक्ट बैठेगा डॉट लगने के बाद। ठीक है, या तो फिर आप इसको डॉट लगाने के बाद भी कर सकते हो। आमतौर पे हम डॉट लगाने के बाद ही करते हैं, आज पहले ही बता दिया।
अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको आपको ना तिरछा इस प्रकार से कटिंग करना है। ये आपका फ्रंट पीस है, ये हो गया। अब इसको हम अलग कर लेते हैं बैक साइड और फ्रंट साइड को, और फ्रंट साइड से पहले तो सीधा कटिंग करके निकालेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर ना इस तरह से राउंड शेप में काटना है, ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया, लाइनिंग पीस की पूरी पूरी हमने कटिंग कर ली। अब मेन फैब्रिक पे आते हैं। मेन फैब्रिक में आप लोगों को ना अलग तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे कि फ्रंट में हम डिज़ाइन करेंगे तो चलो लाइनिंग पीस पे ही थोड़ा सा समझते हैं। फ्रंट नेक को आर्म होल को किस तरह से छांटना है उसको देखते हैं। ये इस प्रकार से रखना और उसके बाद ये कटोरी को बराबर इस तरह से रखना। और अगर इस प्रकार से आर्म होल छांटने में अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप इसको पूरा स्टिच करने के बाद आस्तीन चढ़ाने से पहले छांट सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कटिंग पे ही किस तरह से छांटना है। जैसे बराबर जमा करके रखना और उसके बाद ये बस इतना हिस्सा छांटना है सेंटर में बस। अगर आपको प्रॉब्लम लगता है इस तरह से छांटने में तो आप सिलाई के टाइम भी छांट सकते हो आस्तीन चढ़ाने से पहले, क्योंकि तो आस्तीन चढ़ाने से पहले हम एक बार आर्म होल को मिला करके देखते ही हैं तो साथ ही साथ ये भी हो जाएगा। ये हो गया, ये देखिए। देखो फ्रंट नेक में डिजाइनर शेप देने के लिए यहाँ पे गले का ना लेंथ 8 इंच लेंगे। अब 8 इंच क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 4 इंच ब्रॉड गला है, ठीक है, और हम तिरछा नापते हैं। अगर आप सीधा नापेंगे तो ये 7 इंच से ज़्यादा नहीं आएगा, और 7 इंच भी सीधा सीधा नापने पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ना हम एक नुकीला शेप देंगे, देखिए किस प्रकार से देंगे उसको मैं समझा रहा हूँ। ये इस तरह से पहले इधर सीधा मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ पर ना राउंडिंग शेप देना है ये इस प्रकार से। अब ये अस्तर ऊपर से कट के निकल जाएगा और उसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा नेट, ठीक है। तो ये एक शेप हो जाएगा, इसको इस तरह से अभी कटिंग करने पे ये समझ में नहीं आएगा, काटने के बाद जब ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का शेप आएगा, ये देखो। तो यहाँ पे जैसे हमें 6 लूप्स और बटन लगाने हैं तो 1.5 इंच करके हम यहाँ पे 6 लूप्स लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए लाइनिंग पीस पूरा कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक को भी हमें कटिंग करना है। तो इसको भी डबल फोल्ड पहले बिछा लेते हैं, पहले पीछे पल्ला निकाल लेते हैं फिर सामने के पल्ले निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से डबल फोल्ड वाले हिस्से पर ये पीछे का पल्ला पहले निकाल लेते हैं। अब देखो फ्रंट में जो गले पर नेट लगना है
उसके लिए ये नेट का फैब्रिक हम यूज़ करेंगे। ये जो नेट है इस तरह से इसको डबल फोल्ड पहले करना। डबल फोल्ड करने के बाद एक तो आपको ये वाला पीस लेना है और इस तरह से रखना है, ठीक है, और इसमें मार्जिन ले लेना नीचे तरफ हाफ इंच का, बाकी कहीं पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो इस तरह से हाफ इंच ऊपर चढ़ा देना और उसके बाद कटिंग कर देना। तो फ्रेंड्स ये था इस डिज़ाइनर वीडियो का कटिंग। अगर आप इसका सिलाई, इसका स्लीव डिज़ाइन वगैरह सब कुछ कंप्लीट देखना चाहते हैं, दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आने वाला है। तो जाइए फटाफट से दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।